So last type of distance, the questions which you may find in the distance formula is that the distance is given to us and we have to find the value of the abscissa or the ordinate part. कैसे जैसे एक चलो example लेते हैं. He says so next type of question, in fact the last type of question, the point P has a coordinate of 2n-3 and Q has the coordinate of suppose -10 and K or Y suppose चलो, and he says PQ is 10 units, that means the distance is given to us suppose, okay, and he says we have to calculate the value or values of Y. Find the value or values of Y. If the coordinates are given to us and the distance between them is also given to us, he says then can you find out the value or values of Y? Means it may be one or more than one. चलो कोशिश करते हैं जरा, क्या हम distance formula लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना? चलो distance formula this says that x1 minus x2 का square, so 2 plus 10 का square. फिर माइनस थ्री माइनस वाई का स्क्वायर, सो माइनस थ्री माइनस वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 होता है, याद है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला ये था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट जो है वो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला देता है, दैट इज डिस्टेंस देता है. इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10. ओके, टू रिमूव दिस साइन ऑफ दिस स्क्वायर रूट, लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड. So this is 12 squared, that means 144. This is 9 plus 6 by plus y square. मालूम है ना? Minus a minus b का होल स्क्वायर क्या होगा? A square plus b square plus 2ab, क्योंकि minus a है और minus b भी है, दोनों minus हैं. So a square plus b square plus 2ab का square root is equal to 10 था, तो इसका square कर देंगे, तो it will be equal to 100 on squaring both sides. Check कीजिए मैंने क्या किया. इसका square root जो है, it is equal to 10 है. राइट, ऑफकोर्स मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मेरे को स्क्वायर रूट का साइन हटाना पड़ेगा यहाँ से. तो स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए क्या करूं, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ. तो स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे इस तरह से इज इक्वल टू 100 आ जाना चाहिए, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 144 प्लस 9, दैट मीन्स 153 is equal to 100, और 100 इधर ले जाके माइनस करते हैं, y square plus 6y plus 53 is equal to 0. एक बार चेक करना चाहूंगा मैं अपनी कैलकुलेशन. हाँ जी, चेक कीजिए जरा, इट इज 2 प्लस 12, 2 माइनस माइनस 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है, 144, 9 प्लस 6y प्लस 5 स्क्वायर, ये भी ठीक है, 153 होता है, ठीक है, 100 या 53 आया, बिल्कुल सही है. मैं कहता हूं अप टू दिस पार्ट द क्वेश्चन इज करेक्ट. ओके, नाउ ही सेज व्हाट शुड बी द वैल्यू, व्हाट शुड बी द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ y, y की क्या वैल्यू या वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है. हमने कहा चलो इसकी y की वैल्यू, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तो रूट में आएंगी और स्क्वायर रूट में आती नहीं है. खैर वैसे अपन देखें ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के कंसेप्ट से ये इमेजिनरी हो जाएगा. मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करने की जरूरत है. लेट मी सी इट वंस अगेन, ये माइनस 10 नहीं है, 10 है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस 10 नहीं है, 10 है. तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास में 64, ठीक है, 64 प्लस 9, सॉरी ये भी हो गया आपके पास में 73 माइनस 100 आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 27. और जस्ट गिव मी वन मिनट टू चेक इट वंस अगेन. द क्वेश्चन वाज गिवन इन एनसीईआरटी, इट सेज फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज ऑफ y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन p 2 माइनस 3 एंड q 10y is 10 units. मेरे ख्याल से अब ठीक है. हाँ जी, सो वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो हमारे पास दो वैल्यूज होती है y की, हमें मालूम है ना? सो y फर्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर दूं, 27 के फैक्टर्स इनको प्लस माइनस करने से 6 आ जाए, 9 और 3, सो
9y minus 3y minus 27 is equal to 0. तो y plus 9 एक फैक्टर होगा और एक फैक्टर y minus 3 होगा. इसका मतलब y की दो वैल्यूज हैं, या तो 3 या minus 9. क्या किसी को रिजेक्ट करें? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. जो वैल्यूज हैं x या एब्सिसा या ऑर्डिनेट की, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है ना, वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. इसलिए रिजेक्शन का कोई मतलब नहीं है. और क्वेश्चन में उसने बोला भी यही था, फाइंड द वैल्यू ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, मान लेते हैं ही सेज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b, द पॉइंट्स a एंड b आर 1, 2 and the coordinates of b are minus 2y, and it says the distance between a and b, the length of ab is 5 units. Find the value or values of y. Check kijiye ki aapne ko solve karna aa jayega. ठीक है, लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला. चलिए, ए बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना. x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ये एक गलत स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले में रूट होता है, यहाँ पे इज इक्वल टू 5 लिखेगा. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या यू कह लीजिए इज इक्वल टू 5. नाउ दिस इज 9 प्लस 4 इज 13, 13 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऑन स्क्वायर इन बोथ साइड. टू रिमूव द साइन ऑफ दिस स्क्वायर रूट, व्हाट वी नीड, वी हैव डन, वी हैव टेकन द स्क्वायर ऑफ both sides, okay, we are going to square of both sides, okay. So, अब इसके बाद का step आपको मालूम है, आप quadratic equation बन रही है, तो इसे ax square plus bx plus c के फॉर्म में लिखना पसंद करेंगे. तो y square minus 4y minus 12 is equal to 0, check कीजिए, ठीक है, y square minus 4y minus 12 is equal to 0, 12 के साथ जिनको plus minus करने से 4 आता है, 6 and 2, तो y square minus 6y plus 2y minus 12 is equal to 0, यानी y minus 6 एक फैक्टर है और एक फैक्टर है y plus 2, that means y will be equal to minus 2 and 6, there are two values again, and both are yes to be considered, not to be rejected, okay. This is the last type of questions which you will get in the distance formula. I hope the distance formula is clear to all of us. This is half of the chapter. Distance formula से क्या क्या check किया, चलो एक बार याद दिलाता हूँ मैं आपको. आपने check किया कि points collinear है या नहीं. आपने सीखा कि तीन points अगर तीन vertices दिए हुए हों तो हम check कर सकते हैं कि वो किस तरह का triangle है. आपने check किया कि अगर four vertices दिए हुए हों, coordinates दिए हुए हों vertices के, तो हम बता सकते हैं कि वो किस तरह का quadrilateral है ना. आपने ये देखा कि एक पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट हो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, तो वो कैसे निकाला जा सकता है. हमने ये देखा कि एक्स और वाई अगर दोनों ही नहीं मालूम हो, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे अगर वो पॉइंट ना हो और तीन के हो, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं एक्स और वाई का फॉर ऑल द पॉइंट्स व्हिच विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट. और ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया कि जिसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने एब्सिसा या ऑर्डिनेट के की वैल्यूज निकालनी है. दिस इज द कंप्लीट package, or you can say this is the complete topic of distance formula. चलिए, तो distance formula के बाद इस chapter में आता है division formula और section formula. Division formula और section formula, इसी बात है, ठीक है? Division formula का derivation अभी नहीं कराऊंगा, आपको करवाऊंगा जब हम similarity of triangles की बात करेंगे. आपने शायद optics में mirrors में mirror formula भी कर लिया होगा. Mirror formula का derivation करेंगे जब हम करेंगे, ठीक है? तो इसका अभी आपको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि
तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, चलो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी लाइन सेगमेंट हो ए बी, कोई भी लाइन हो जो दो पॉइंट को जोड़ती होगी इसी प्लेन में ए बी पॉइंट को, और उस पे कोई पॉइंट पी उसको डिवाइड कर रहा हो इन सम रेशियो, अगर उस पे इन पी उस पे लाइन पे कोई पॉइंट है अगर, तो इसको हम कहेंगे ये इंटरनल डिवीजन है। सबसे पहले तो द पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन, द पॉइंट मे नॉट लाई ऑन द लाइन ऑल्सो, उसको हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, वो समथिंग विच इज रिलेटेड टू 3D, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आप हमेशा देखिएगा आपकी बुक में दिया हुआ है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन इसे, क्योंकि हमेशा जो पॉइंट है वो ए और बी के बीच में ही आएगा। ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता था पॉइंट पी, तो हम कहते हैं कि द पॉइंट इज डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ ए एंड बी एक्सटर्नली, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन इज समथिंग व्हिच वी विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड। ओके, सो इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। सेक्शन का मतलब समझते हैं ना, अफकोर्स हमारे स्कूल में 10th क्लास में अगर 160 स्टूडेंट हैं, सो वी हैव डिवाइडेड देम इन फोर सेक्शंस। एक साथ पूरे 160 स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो क्या किया हमने, वी हैव डिवाइडेड यू इन सम पार्ट सेक्शन, लाइक देयर इज नो डिफरेंस इन सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी और डी, केवल रूम का सेपरेशन है और कुछ भी नहीं है। तो सेक्शन में डिवाइड कर दिया आपको, यही है ना, तो सेक्शन का मतलब हो गया डिविजन करना, डिवाइड करना। ठीक है, तो P is dividing the joint of A and B. Of course, देखो A और B को P क्या कर रहा है, divide कर रहा है किसी दो हिस्सों में। इन दोनों हिस्सों का रेशियो मान लेते हैं M1 और M2. Again, this is not the length. This is not the length. Length नहीं है, ये रेशियो है। ठीक है, रेशियो है अगर उसका M1 और M2, MN भी यूज कर सकते हैं कि बुक में K:1 के रेशियो में भी डिवाइड किया होता है, अपनी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, है ना। चलो बुक में शायद M1 M2 है, तो इसे मैं M1 M2 ले रहा हूँ। अगर A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो और B के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 हो और उसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा हो रेशियो में m:n या m1:m2 के रेशियो में, तो डिवीजन फॉर्मूला ये कहता है कि आप P के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, यानी कि P की लोकेशन लोकेट कर सकते हो इसमें, इस लाइन सेगमेंट में P की लोकेशन लोकेट कर सकते हो कि P कहाँ आएगा, कैसे। तो कह रहा है कि इसमें सेक्शन या डिवीजन फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है सेक्शन या डिवीजन फॉर्मूला, उसको समझते हैं। M1 को x2 से मल्टीप्लाई करें। अगेन ये क्यों करेंगे ऐसा, इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे। जब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे तो मैं इसका डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, राइट। जैसे एक बार के लिए आप मेरा फॉर्मुला कर रहे होंगे शायद फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में, लेकिन उसका डेरिवेशन आपने नहीं किया होगा। दैट इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो हम मैथमेटिक्स में करेंगे, फिजिक्स के करिकुलम में नहीं है, इसे शायद पुनः कराएंगे भी नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं दोबारा से। तो इसका डेरिवेशन या क्यों का जवाब जो है वो बाद में लेंगे अपन जब डेरिवेशन करेंगे, अभी समझते हैं कि लगाते कैसे हैं, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। M1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस M2 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से। देखो मैंने एरो भी इसके लिए बनाया, आपने बुक्स में देखा होगा इस तरह के एरोस बने हुए मिलेंगे आपको एनसीईआरटी से लेकर बाकी रेफरेंस बुक्स में भी ऐसे मिलेंगे। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हिच इज टू व्हाट क्वांटिटी शुड बी मल्टीप्लाई विद व्हिच क्वांटिटी लाइक दैट। तो m1 into x2 और यहां पे हो जाएगा अपने पास में m2 into x1, m1 into x2 और दूसरा आ जाएगा m2 into x1 upon m1 plus m2 will give you the value or the location of x, अब सीसा की वैल्यू दे देगा आपको। ये चेक कीजिए क्या किया था ने, जब x की बात कर रहे हैं तो y से कोई लेना देना नहीं है, और डिस्टेंस फॉर्मूला में भी ये किया था अपने, x1 minus x2 या x2 minus x1, क्या x1 से y1 या x1 से y2 minus किया था, नहीं किया था ना, तो वैसे ही है डिस्टेंस ऑफ एब्सिसा डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, वैसे यहां पे सेक्शन फॉर्मूला भी ऐसे कीजिएगा। क्या m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हो, तो m2 को भी मल्टीप्लाई करोगे x1 से, राइट, अपॉन m1 plus m2। इसी तरह से सोच के देखिए, अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करोगे, इस m1 को y1 से मल्टीप्लाई करोगे, x1 से करोगे, x2 से करोगे या y2 से करोगे, सोच के देखें आपने x में क्या रूल अपनाया था वैसा ही y में भी निकाल लगाएंगे, यानी ऑर्डिनेट के लिए भी वैसा ही अप्रोच रखेंगे। तो y यानी ऑर्डिनेट के लिए अगर आप अप्रोच रखेंगे तो m1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से,
तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला एम वन बाई टू प्लस एम टू वाई वन, एम टू को वाई वन से मल्टीप्लाई किया तो एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, बुक में m और n के फॉर्म में दिया हुआ है तो m और n के फॉर्म में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन या इसको कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए था। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं दोबारा समझने की। मान लीजिए एक पॉइंट है p एंड q, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर x2 y2 एंड m इज एनी पॉइंट लाइन इन बिटवीन p एंड q। So M is dividing the internally first of all. Okay, so this is what internal division is. Now let the ratio is M to N. M1 M2 छोड़ देता हूँ, M and N लिख लेता हूँ। चलो मैं अगर F की था यानी X की location locate करना चाहता हूँ, X की value निकालना चाहता हूँ, तो M को multiply करूँगा और N को किससे multiply करूँगा ये clear होना चाहिए। M X2 को एम को एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे, एम एक्स वन एम एक्स वन अपॉन एम वन एम प्लस एन, क्योंकि एम वन एम टू नहीं यूज करें, एम और एन यूज करें तो एम प्लस एन। सिमिलर इज द केस ऑफ वाई, सिमिलर इज द केस ऑफ वाई, चेक कीजिए क्या होगा, एम को मल्टीप्लाई करेंगे वाई टू से तो हो जाएगा एम वाई टू प्लस बिल्कुल एम वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। चेक कीजिए बहुत आराम से, समझिए आराम से, जब x की बात होगी तो x की ही बात होगी और जब y की बात होगी तो केवल y की ही बात होगी, फिर x से y की खिचड़ी नहीं पकानी। एवरेज से समझ में आता है हमें कि हमें दूर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो बेशक शुरुआत में हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये एक छोटा सा रस्ता डायग्राम फिगर बना लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, और अगर हमें इससे समझ में आता हो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो किसी का क्या जा रहा है, तो टीचर क्यों मना करेगा हमें कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो कोशिश करते हैं जरा समझने की। एक पॉइंट लेते हैं, चलो एक्सपेरिमेंटली एक पॉइंट है, मान लीजिए ए दिस इज वन माइनस टू, बी पॉइंट के कॉर्नर्स मान लेते हैं सेवन और थ्री, एंड सपोज we have to locate a point C which is dividing at internally in the ratio of 1 is to 2. It is dividing at in the ratio of 1 is to 2. क्या हम x और y के values निकाल सकते हैं, यानी C की location, C के coordinates बता सकते हैं, जरा कोशिश करते हैं। चलो क्या समझाया गया हमें कि x की value निकालनी है तो बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, 1 को multiply करेंगे सेवन से क्योंकि फॉर्मूला है एम वाई एम एक्स टू, एम एक्स वन यानी कि टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, वन इंटू सेवन प्लस टू इंटू वन अपॉन वन प्लस टू दैट मीन थ्री, तो सेवन प्लस टू अपॉन थ्री दैट मीन थ्री, तो एक्स सा की वैल्यू है थ्री। इसी तरह से अगर हम वाई की वैल्यू की बात करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 क्योंकि एम एक्स एम वाई वन प्लस एम वाई टू होता है, तो 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 दैट मीन 3 माइनस 4 अपॉन 3 वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 3। चेक कीजिए तो x और y की वैल्यू। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें सेक्शन फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा।